फैमिली सबका जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। शाम के वक्त ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और अभी मुझे थोड़ी देर पहले ये दिखा था, ये देखो अभी हमने ये प्लास्टिक की लगवाई थी और ये टूट गई। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, अम्मा पापा रुखसाना बाजी के जाने का टाइम हो गया है, तो बस एक दो दिन बचे हैं। हम लोग भी अब लास्ट में उनको टाइम नहीं दे पा रहे क्योंकि एक साथ सारी चीजें हो गई है। अभी शाम के वक्त थोड़ा फ्री थे तो सनी और हमने कहा चलो पास वाले मार्केट चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। हम लोग निकल चुके हैं और आज हम लोग करें ऑटो की सवारी। रुखसाना बाजी को ऑटो में बैठ के भोपाल के ऑटो की याद आ गया। आपको ये बता दें, रुखसाना बाजी भोपाल में भी रहती रही है कितने साल? 3 साल। तो ऐसा मीटर होता था भोपाल के ऑटो में, जाते थे ना। हाँ, ये दिखते रुखसाना बाजी को भोपाल की याद ताजा हो गई। दुर्गा नगर तो मुझे भी नहीं याद आ रहा। फ्रेंड्स है क्या भोपाल में? बताएंगे सब। अम्मा को मैं जूस भी पिला दिया। अच्छा अच्छा हाँ हाँ नहीं लेना। को समझ मार छोड़ गए तो मिलने वाला ये कलर मिल जाएगा। कौन सा ये दिन? प्राइस तो बताइए। अच्छा लग रहा है यही वाला या ये है? नहीं नहीं यही वाला मिलेगा। वो अच्छा लग रहा है भाई। ये हो गया रचना का, ये रचना के बच्चों का, रुखसाने का। और कुछ आएगा? और ले लेना, समझ में आ जाएगा। कहाँ समझ में, जल्दी बता, टाइम नहीं है। जो समझ में आएगा वो बता देंगे। चलो रुखसाने के लिए सरप्राइज हम लोग ने प्लान किया। कमर बंद लगी बाजू में। इतना सही है ना, रोज़ में पसंद ना बजने वाली है जलान साली उसकी, बहुत बजाती है शाम शाम करके पूरे घर में। नहीं मतलब थोड़ी इतनी दिखा दो, एक जो भी ऑप्शन है दिखा। कौन सी अच्छी रुखसाना वाली बता, कौन सी वाली पसंद है भाई? और बड़ा 4-5 कुछ जल्दी फिर नहीं जाने का टाइम हो रहा है। अरे नहीं नहीं काम तो क्या रहेगा ना, हम डिस्काउंट ले लिए। चलो तो सूट भी ले लिए, आप चलते हैं घर। तो फ्रेंड्स हम लोग मार्केट से आ गए थे। मार्केट से हम जैसे रास्ते में आ ही रहे थे ना, बड़ी मुश्किल में तो हमें ऑटो मिले। फ्रेंड्स वहाँ पे हम लोग दो दो ऑटो करके गए थे। तो फिर कृष्णा ने अम्मा और मुझे भेज दिया। उसके बाद अम्मा के पेट में दर्द शुरू हो गया, हम लोग क्लिनिक रुक गए, अम्मा को वहाँ दिखाया, इंजेक्शन लगाया, उसके बाद घर आ गए। फिर अब मैं यहाँ पे आ गई थोड़ा नीचे, क्योंकि अब मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा लो सा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, पहले 15 अगस्त के लिए चल रही है तैयारी। हमने आपको बताया था ना जो केक बन रहे हैं, अभी इसकी पूरी प्रोसेस आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये फोन की ना बेचारे की हालत खराब हो चुकी है। तो इन लोगों को ये चैलेंज होने वाला है। yes. क्या इसको खिलाना पड़ेगा इनका चैलेंज। कल से ये लोग जिद कर रहे हैं, स्पेशल रेहान भी कह रहा है चैलेंज कर लो चैलेंज कर लो। तो 10 बॉक्सेस बनाने। अच्छा वो बॉक्सेस ना अभी आपको दिखाते हैं कैसे आते हैं। तो उसमें क्या है कि उसको फोल्ड करके थोड़ा मुश्किल है बनाना, लेकिन कृष्णा उसमें प्रो है। ये है, ये आता है इस तरीके से बॉक्सेस उसमें बनाने। तो जो 10 बॉक्स पहले बना लेगा, वो 10 बॉक्सेस पहले बना लेगा तो वो खुशामदीद पे खाना खिलाएगा। खाना नहीं खिलवाना है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। बस कुछ मीठा मीठा खाने जाएंगे। अभी तो खाने की बात चल रही थी, हम तो खा नहीं पाएंगे, ये खा लेगा। तो वही तो कृष्णा कह रहा था मुझे डर लग रहा है। तो मैंने कहा कृष्णा क्यों डर रहा है, कृष्णा तो मतलब बहुत स्पोर्टिंग, तो वो तो जीत जाएगा। कृष्णा बोल रहा है मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं हार गया तो मैं रेहान को खिलाने में बिल कैसे पे करूंगा। तो ये सामने से दिखाओ। नहीं नहीं टैंक बना देगा, उसके थोड़े फोल्ड किए हुए हैं। क्या कुछ कमी है? अच्छा, अरे अरे नहीं, एक मिनट, आप भी हटा दो। रेहान तुम्हारी सगी बहन नहीं है, ये मेरा रेहान तुम्हारा भला नहीं होता।
रुको रुको मैं बोलूंगी 1 2 3 गो। बहुत ज्यादा रेहान कृष्णा उसमें प्रो है, वो कब से बना रहा है। गलत किया, अभी बोल सकते कि मैं अवार्ड करता हूँ। रेजा तुम्हें क्या करना, तुम्हारे बॉक्सेस बनेंगे चाहे वो जीते और चाहे ये तो इजी 20 पीस का रखा दो ना, 10 20 20 बॉक्सेस ना। अरे मिक्स हो जाएंगे, ये ओल्ड है, टाइम वेस्ट नहीं, टाइम वेस्ट नहीं। कहीं से गलती मत छोड़ना, ये नहीं कि पॉइंट पे रेहान गलती छोड़ रहे हो तो कुछ गलती नहीं। सब अभी चेक करेगी बात, भैया मुझसे ये पाप नहीं होगा। तुम स्टार्टिंग में ही नहीं होगी फोल्ड कर रहे हो, वो बीच में प्लास्टिक उसको फोल्ड कर नहीं देखा यहाँ से। हाँ डिसाइड होगी उसकी, उसको बता रही हूँ कि वो डिस्क्वालीफाई साउंडिंग दिख रहा है, अगर तुम फोल्ड नहीं करोगे तो क्या मतलब, इसलिए फोल्ड तो करो। इसलिए तुमने गलती की 20 पीस का करा दे, तुम्हारे पूरे बॉक्स बन जाते। नहीं नहीं 10 10 कितने हुए, तुमने क्या देख रहे, अपना अपना करो। नहीं गलत है, चीटिंग हो रही है, बहुत गलत हो रहा है। कृष्णा के ये हो गए, रेहान के ये हो गए, रेहान के है 4, कृष्णा के है 5। अरे एक उठाया था मैंने, वो अलग कर दिया। रेहान वो बहुत टाइम से बना रहा है ना, तो अच्छी बात है ना, बना ले तो। वो बंद कैसे करेगी फोल्ड नहीं है तो, 2 मिनट लगेंगे बंद करने। बंद नहीं करना, ऊपर का फोल्ड करने के बंद करने में इजी हो जाए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आई मीन न्यू इन दिस। हाँ तो भाई हम कह रहे थे अगर इफ यू लूज डोंट लूज होप, बिकॉज कृष्णा इज मेकिंग फ्रॉम सो मेनी डेज, सिंस सो मेनी डेज। और ये हो गए मेरे 10। तो अभी ये बताओ कौन किसको क्या खिलाएगा, वो जीते तो मैं खिलाऊंगा। कृष्णा को खुशामदीद का पनीर और खमीरी रोटी और पुडिंग, ये 3 उसके मुँह में पानी आ गया पुडिंग के लिए बस। फ्रेंड्स ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, मैं ये दिन में पीती हूँ लेकिन आज लेट हो गया तो फिर अभी पी रही हूँ। ये स्मूदी टेस्टी तो बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन इसे दिन में 2 3 बार फल खाने हैं, फल तो अच्छे होते हैं लेकिन वो टाइम नहीं मिल पाता कब खाओ कब खाओ, तो सारी चीजों को इकट्ठा मिला के ऐसा स्मूदी बना के गाढ़ा गाढ़ा सा और पी लेती हूँ दवाई के तरीके से कि कुछ अच्छा जाए पेट में। अम्मी कितना चल के आई दिखाओ, 2000 सुबह से अब तक। सुबह के अलग है अम्मी, रेहान हार गया या चैलेंज बॉक्स की तो ऐसे ही होते हैं। अच्छा लग रहा है, बीच में इसको हम नीला करते हैं कि पेंट करके नीला कर वाटर कलर लाना। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो चुका है, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हमारी आजादी का दिन है, खुशी का दिन है, लेकिन आज थोड़ा सा मतलब सैड सैड चीजें हो गई थी। सडनली अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो, कल आपने देखा था मैं उनको क्लिनिक लेके गई थी, लेकिन उसके बाद सडनली अभी सुबह से पेट में तकलीफ वैसा वो सब हो गया। कल उन लोगों का टिकट भी है तो अभी देखना, उनको भी नहीं भेजते क्योंकि पहले और टेस्ट वो सारी चीजें करा लेते हैं ताकि तसल्ली हो जाए, फिर वहां जाके तबीयत ना खराब हो। तो मैं ना बस रेडी होकर फोटो क्लिक करने जा रही थी इंस्टाग्राम पे विश करने के लिए, दुपट्टा भी ढूंढ लिया था, आउटफिट ये निकला हुआ है, फिर अचानक से ना बहुत लेट हो गया। आज मैं मतलब रेस्टोरेंट भी नहीं जा पाई, वहाँ पे भी काफी ज्यादा काम है, तो सनी वहीं पे बीच में आए फिर चले गए, तो मैं आपसे रेडी होके मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, ऑरेंज मेरे पास दुपट्टा था, सूट मुझे ऑफ वाइट ही पहनना था, तो ग्रीन हम मम्मी से दुपट्टा लेने के लिए आए थे, लेकिन मम्मी के पास जितने भी वो सारे प्रिंटेड है, लेकिन चूड़ियाँ मिल गई ये वाली अच्छी, थैंक यू मम्मी, मम्मी तो हमेशा काम बना ही देती है मेरा, तो ग्रीन हमारी चूड़ियां हो जाएंगी। मेरे पास नहीं थी ग्रीन, इसलिए मैंने ये कंगन पहन लिए थे, लेकिन अब मैं ये अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, ठीक है। चलो अभी मुझे कुछ लिखना है वो मैं लिखती हूँ, मैंने कुछ रील के लिए सोचा है, फिर आपको दिखाती हूँ। अम्मी मुझे हरा नहीं चाहिए, अम्मी बेचारी अपने सारे दुपट्टे लेके आ रही है। अम्मी यू आर सो स्वीट, और तो फ्रेंड्स हमारी रील जो है वो शूट हो चुकी है, हम चाहे तो यहाँ से बिना खाए भी भाग सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलते, हमने उनसे बोला है कि हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एंटर किया है, तो चलते हैं कुछ चाय कॉफी कुछ तो खाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। ये आ गए हम यहाँ पे 7-Eleven क्लब। वाओ फ्रेंड्स आज यहाँ पे बहुत अच्छा डेकोर किया हुआ है इंडिपेंडेंस डे का। तो फ्रेंड्स हमने पी लिया चाय, यहाँ पे भी सब चल रहा है, यहाँ पे भी अच्छा डेकोर किया हुआ है, ठीक है फिर चलते हैं। रेस्टोरेंट पहुंचे तो सनी तो नहीं मिले क्योंकि कुछ सामान खत्म हो गया था, वो लेने गए थे, रेस्टोरेंट वालों ने बताया कि भाई भाभी ने ऑर्डर किया है तो उनका पार्सल आप ही लोग जाके दे दो, तुमने कहा ठीक है कल के दे देते हैं। फ्रेंड्स आ गए थे हम लोग शूट करके और मुझे डालना था वॉइस ओवर, तो मुझे यहाँ पे वॉशरूम में आके डालना पड़ा क्योंकि बाहर शोर भी है और वॉशरूम में आवाज थोड़ी अच्छी भी आ जाती है, थोड़ी गूंजती हुई। क्यूट से केक्स जा रहे हैं अब रेस्टोरेंट, ये किसी ने उल्टा रख दिया,
भाई कुछ भी गलती ध्यान पे डाल देते हो तुम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा की तबीयत जो है वो बेटर है, लेकिन कल उनके एक बार टेस्ट करा देते हैं ताकि सुकून हो जाएगा कि इतना दर्द पेट में क्यों उठा। अभी चलते हैं, उनको नीचे थोड़ा वॉक कराते हैं, मूड फ्रेश होगा। कितने दिनों बाद ऐसे बैडमिंटन वाला माहौल। जो लोग हमारे व्लॉग पहले से देखते हैं वो लोग जानते होंगे हम लोग पहले कितना खेलते थे। मैं अब बहुत मिस करती हूँ खेलना। तो आगे फ्रेंड्स हम लोग वॉक करके और आज बहुत दिनों बाद बैडमिंटन खेल के भी अच्छा लगा, स्वेटिंग भी हो गई और फेस पे ग्लो भी आ गया। ये ग्लो मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही थी क्योंकि कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही थी, स्वेटिंग नहीं हो रही थी, तो अभी सही है। सच में अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही हो? थैंक यू। क्या अच्छा लग चेहरा? आपको सबक मिलने वाला है, आपने घड़ी नहीं बांधी है, अब मैं आपके ना भाई से रुक जाऊं। चलिए अब आपको रेस्टोरेंट का नजारा दिखाते हैं। आज इंडिपेंडेंस डे के लिए हमने डेकोर भी कराया था, मैं नहीं जा पाई थी कल, मेरा बहुत मन था लेकिन बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई थी। और ये मासूम से बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं देखिए। थैंक यू सो मच भाई, उसने पहली बार खाया है चिकन, पहली बार फर्स्ट टाइम खाया ना, और पहली बार में उन्होंने 5 की रेटिंग दी अपने को। थैंक यू सो मच। एंड हम लाइक टू कम अगेन एंड अगेन। हम आप लोगों से मिल रहे हैं, सनी बस अभी आए, वो भी शुक्र है कि आज आधा एक घंटा जल्दी आ गए। और आज आप मेरी घड़ी पहन गए थे, मुझे लगा कहीं अगर तुम्हारी घड़ी गंदी हो गई तुम बहुत बकोगी मुझे। नहीं तो आप क्यों पहन गए थे मेरी स्विच ऑफ हो गई थी ना। कैसा चल रहा है सनी से पूछते हैं एक्सपीरियंस अब तक का कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा, मतलब माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और आप सब यूट्यूब फैमिली के दुआएं हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मतलब रेस्टोरेंट में हमारे खाना खाने के लिए। बाकी तुम बोलो, तुम क्या बोलना चाहती हो? कुछ नहीं बोलना चाहती, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि हम लोग बात भी होती है सुबह से शाम हो जाए। ये बात है रेस्टोरेंट खोलने के बाद बिजी बहुत हो गए हैं, मैं सभा को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। अब मैं हफ्ते में दिन मनाऊंगा तो सभा के लिए होगा, मतलब पूरे दिन तुम्हारे लिए होगा। फोन करते तो बोलेंगे फोन क्यों कर रही हो बार बार, हर 5 मिनट फोन करती कृष्णा। आज काम कर रहे हो? अरे मैं बोल रहा हूँ भाई, अभी बर्तन धो रहा हूँ, कहीं कुछ काम कर रहा हूँ। काम होता है ये तो बात सही है, ऑर्डर करना होता है। कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि यार हमारा यूट्यूब भी थोड़ा सा इफेक्ट मतलब उसमें पड़ रहा है। हाँ। प्रॉपर वीडियोस नहीं बन पा रहे हैं, बट फ्रेंड्स आज जमा पूंजी थी वो हमने सारी लगा दी है, तो उसमें थोड़ा मेहनत करना है। इंशाल्लाह एक महीने में जब सब कुछ हम उसको सेटअप कर देंगे फिर पूरा टाइम तुम्हारे लिए। अंगूठी है लाई हुई है, तुम कब लेके आ गई? कल ही तो ली थी आप जब आ गए थे। पहनोगी तुम? ये सोचा तो था, ये एडजस्टेबल वाली है, पक्का अच्छी लग रही है। और क्या, अच्छी लग रही है और ये बहुत लाइट वेट भी है फ्रेंड्स, ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ ज्यादा पहने। ये वाली ये कहाँ पहने? ये दूसरी में पहन लो, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो क्या इसको 5 महीने में पहन सकते हैं? पहन सकते हैं। ऐसे तो डायमंड रिंग भी नहीं लगती। दिलवा देंगे डायमंड रिंग तुम्हें। सच में बहुत अच्छी लग रही है और न्यू डिजाइन भी लग रही है। पागल ना पड़ जाना तुम। व्लॉग कल भी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि कल सनी ने ऐसा कहा है कि वो ज्यादा देर के लिए नहीं जाएंगे, तो जो हमारे पेंडिंग काम थे वो हमें करना है और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी फर्स्ट इनकम थी वो हम देने वाले हैं अपने पेरेंट्स को, तो वो भी हमें कल उनको सरप्राइज करना है क्योंकि इसमें उनका हक है। वो हम इतने दिनों से नहीं कर पाए थे क्योंकि सनी को टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो कल इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे। कैसा लग रहा है बताना? ये इतनी लाइट वेट है, वीडियो बनाते बनाते रियलाइज हुआ ये फिर से इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया और अब मेरे दिमाग में ना मुझे से वो नहीं होता खिचड़ी चलने लगती है। हाँ। कि मुझे अभी इसे ठीक करना है, अभी इसे ठीक करना है, सुबह 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 अभी सुबह। ये बार बार क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है कि इसमें प्रेस नहीं हो पाती, कबर्ड में ज्यादा नहीं है तो सभी लोग यहाँ पे लाके रख देते हैं। उलझन हो रही है अब, लेट जो यार हमें खुद उलझन हो रही है अपनी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हो चुका है और रात में आपने देखा था ये सारा जो है ना मैस नहीं होता, मेरे सामान रखा हुआ है लेकिन इतनी सी जगह में ऊपर नीचे हो जाता है और कहीं जगह नहीं है रखने की, तो मेरे सर पे रात से सब चढ़ा हुआ था, तो पहले मैं इसको ठीक करूंगी नाश्ता करने से पहले। फ्रेंड्स इतनी मैंने यहाँ की क्लीनिंग कर दी है, बस ये कुछ चीजें बची है जो इसे हमें बाहर रखना है, जब से रखा है अब ये वाला सेक्शन बचा है, ये वाला कर लेंगे। लेकिन अभी हो चुका है नमाज का टाइम, इसलिए पहले नमाज पढ़ते हैं उसके बाद बाकी सारी चीजें करेंगे। और अब तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, 1:30 बज गया है, नमाज पढ़ते पढ़ते नमाज हो चुकी है फ्रेंड्स, अब चलते हैं बाहर और मुझे अपने सीट्स की ये सब ठीक करने। तो फ्रेंड्स कल प्लान हो गया था कि हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं और आज फिर से प्लान हो गया कि वो लोग जा रहे हैं। जा रहे हैं तो सारे भाजी इंशाल्लाह। देखो कृष्णा अब तुम्हारा साथ खत्म। अभी नहीं, अभी कोई भरोसा नहीं। क्या हुआ फाइनल फिर? मम्मी कह रही है कि ठीक है ड्रेस करके हम चले जा रहे हैं।
शायद बहुत दिन भी हो गए तो हम लोग फोर्स भी नहीं कर सकते। हाँ के रिएक्शन तो फिर से क्या बोले तो साफ हो गया। कल रात में पूरा कल रात में जब तुम ब्लॉग बना रहे थे मुझे इतनी उलझन थी, मैंने कहा अभी ठीक करूंगी। सनी बोलता है रात में नहीं करूंगी सोना है। जैसे मैं उठी मैं बाहर बाद में निकली, मैंने कहा पहले मैं इसको ठीक करूंगी। पूरा भरा हुआ था है ना, सही हो गया ना। बच्चे थोड़ा सा बचा वो भी आज हट जाएगा। तो सनी यहाँ पे सबके एनवेलप बना रहे हैं। मतलब कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भी नहीं है फ्रेंड्स, ऐसी छोटी मोटी चीज है हमारी जो हमने की आप सबकी दुआओं से। तो हमारी इनकम कुछ बहुत ज्यादा भी नहीं हुई थी फर्स्ट डे की। जैसे क्या होता है यूट्यूब की फर्स्ट इनकम आती है तो सब लोग बताते हैं, ऐसे हम आपके साथ ये भी शेयर करना चाहते हैं लेकिन कहते हैं उसमें भी एग्जैक्ट नहीं बताते। मतलब हम ये नहीं बता रहे कि हम अपने पेरेंट्स को कितना दे रहे हैं, लेकिन आपको इतना बता रहे हैं कि हमारी इनकम कितने उसमें थी, 5 डिजिट के अंदर थी। 5 डिजिट के अंदर, अच्छा मतलब लाख तक नहीं पहुंची थी, उससे काफी कम थी। तो जिसमें जितने भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जो भी हमारी फर्स्ट डे की इनकम थी, जितनी भी थी अल्लाह के करम से आप सबकी दुआ से, कोई ऐसा बहुत ज्यादा करोड़पति हमारा सब कुछ हमारे माँ बाप का ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आज ही दे रहे हैं तो कल नहीं देंगे, हमें तो हमेशा ही सब कुछ इनके पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स। लेकिन वो जो फर्स्ट डे का होता है अल्हम्दुलिल्लाह कल 1 वीक भी कम्प्लीट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत ही अच्छा। नहीं नहीं अभी अभी नहीं, 1 मंथ में इंशाल्लाह करेंगे जिंदगी रही तो। और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ चल रहा है, बस हाँ थोड़ा सा सबको टाइम भी दे पा रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इतना भी गिल्टी फील नहीं करना। धीरे धीरे फ्रेंड्स देखो हर एक इंसान को ना धीरे धीरे हर चीज की आदत पड़ती है। 1 साल 2 साल की आदत, पहले मतलब सऊदी में भी थे तब भी फोन पे तो कनेक्ट रहते ही थे लेकिन हम भी बिजी हो जाते थे, लड़ाई हो जाती थी। क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता क्या अभी एकदम से टाइम नहीं मिलता, थोड़ा सा हो जाता है लेकिन अब मुझे आदत हो गई। चलो फिर देते हैं सब कुछ, ठीक है। कहाँ लगाए? नहीं नहीं ठीक है, आ गए। उस दिन जो सनी जी को पाल लाई वो ढीली आ गई थी, फिर बदल के लाई हूँ। देखते हैं वहाँ पे बजने वाली लेके आई, देख कहा था ना बजने वाली लेके आएगी। कितनी बड़ी थी, कितनी बड़ी थी लेकिन ये और अच्छी लग रही है। अच्छी है, उस दिन भी चेन वाली थी लेकिन बड़ी थी, अच्छी भारी। आज घर वालों के लिए एक सरप्राइज और है आज। ये अभी सबा की अम्मी भूख बना रही है, तो अभी 3 पैकेट है जो हमारी पहली कमाई है रेस्टोरेंट की, लेते कल करके पहली कमाई जो कमाया है पहले पहले दिन उससे रेस्टोरेंट से पैसा आए सबको उसमें बांट लिया। एक ही लेता हूँ आप सबके दुआओं से। तो खूब चले भाई, बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। आप भी तो कहा था शाम को बैठ बैठ जाते, हमने कहा था लेकिन आ जाएंगे फिर आ जाएंगे। तुम ऐसे कारोबार के लिए बेटा जी, मैं कहा बताऊँ नगद वाला कारोबार, मैं देखो 10 रुपए वाला कामयाब, शाम सुबह लगाओ शाम के नगर तुम्हारे पास आ जाएगा। इतनी बरकत ये सब आप लोगों की दुआओं से, जो भी है सब सब माँ बाप की दुआओं से होता है। हम लोग मध्य नाम सही बात है, सही बात है, सही बात है। हमारे आमीन आमीन, चलो ठीक है जा रहे हैं ना भाई, ठीक है चलो क्या खुश रहो भाई। भाई करते दीदी दी, नमस्ते दीदी धर्म दादा, धर्म दादा डी से धर्म डी से दादा दीदी शॉर्ट नेम। पापा तो सुनो तो रेस्टोरेंट से जो पहले दिन कमाया था, अच्छा मम्मी पापा ने एक महीना तो देते पांच वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स बहुत दिनों बाद मौका मिला है सबके साथ ऐसे बैठ के खाने का, वरना सनी दिन भर घर आते ही नहीं है, सबका खाना अलग अलग हो जाता है। तो अभी चलिए साथ में बैठ के खाना खाते हैं, वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, हम सबके लिए दुआ भी करना। हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।